ह्यूमन बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है. उनमें से एक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इज द 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व. वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस. और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है फेशियल नर्व से, जो कि है अर्धित रोग या बेल्स पाल्सी. बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड दिस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल. जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धित रोग के बारे में. अर्धित रोग एक वात व्याधि है. दोस्तों, अगर आपको वात व्याधि का परिचय जानना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं अर्धित रोग के बारे में. इसे मॉडर्न में फेशियल पैरालिसिस से रिलेट किया जाता है. दोस्तों, फेशियल पैरालिसिस इज अ लॉस ऑफ फेशियल मूवमेंट ड्यू टू नर्व डैमेज. दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि जब फेस की नर्व डैमेज हो जाती है तो जो फेशियल मसल्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं हो पाता है और वो लटक जाती हैं, वीक हो जाती हैं, एंड इसी को हम फेशियल पैरालिसिस बोलते हैं. ये एक साइड या दोनों साइड में भी हो सकती है. जैसे कि मान लेते हैं, अगर लेफ्ट साइड के ब्रेन में जो फेशियल नर्व है वो डैमेज हुई है तो राइट साइड का फेस पैरालाइज हो जाएगा, और अगर राइट साइड के ब्रेन में फेस नर्व डैमेज हुई है तो लेफ्ट साइड का फेस पैरालाइज हो जाएगा. जो कॉमन कॉजेज़ हैं फेशियल पैरालिसिस के, वो हैं इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशियल नर्व, हेड ट्रॉमा, हेड और नेक इंजरी या स्ट्रोक. अब दोस्तों, फेशियल पैरालिसिस और बेल्स पाल्सी जो शब्द हैं वो सिनोनिमसली यूज़ किए जाते हैं, पर इनमें एक डिफरेंस है, जो ये है कि अगर फेशियल पैरालिसिस एकदम से सडनली हो जाता है तो उसे हम बेल्स पाल्सी कह देते हैं, और अगर वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या मंथ्स में होता है तो उसे हम फेशियल पैरालिसिस ही बोलते हैं. और दोस्तों, कारण क्या है पैरालिसिस होने का, इस पर डिपेंड करता है कि जो पैरालिसिस है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता है. दोस्तों, यह था इन शॉर्ट फेशियल पैरालिसिस के बारे में. अगर आपको इस पर एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. तो अब चलते हैं हम आयुर्वेद के टॉपिक पे, अर्धित रोग पे. सो सबसे पहले है इसका रेफरेंस, मतलब कि प्रमुख संदर्भ ग्रंथ. इसमें पहला है चरक संहिता चिकित्सा स्थान का अध्याय 28. तो इसमें जो है अर्धित रोग का वर्णन किया गया है. इसके अलावा सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 1, अष्टांग हृदय निदान स्थान 15, माधव निदान अध्याय 22, भाव प्रकाश मध्यम खंड अध्याय 24, इनमें अर्धित रोग का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट इज अर्धित रोग की निरुक्ति. इसके लिए माधव निदान में एक श्लोक कहा गया है जो कि इस प्रकार है, अर्धे अति अनिलो वक्त्रम अर्धितम जनयत्य. दोस्तों, यहाँ वक्त्रम है, वस्त्रम नहीं है, और इस श्लोक का अर्थ यह है कि जिस व्याधि में मुख वक्रता होकर मुख के आधे भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है उस व्याधि को हम अर्धित रोग कहते हैं. दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं अर्धित रोग की परिभाषा में. जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिसमें मुख वक्रता होकर मुख के आधे भाग में पीड़ा उत्पन्न होती है उसी व्याधि को हम अर्धित कहते हैं, जैसा कि हमने निरुक्ति में भी देखा था. दोस्तों, इस परिभाषा को लेकर माधव निदानकार और चरक के में थोड़ा मतभेद है, जो कि हम आपको बताते हैं. माधव निदानकार के अनुसार अर्धित रोग में सिर्फ मुख विकृति होती है, ऐसा वर्णित किया गया है, परंतु आचार्य चरक के अनुसार अर्धित रोग कभी कभी केवल मुख प्रदेश में विकृति होती है और कभी कभी मुख के साथ शरीर में के आधे भाग में भी विकृति हो जाती है. ठीक है, इसका अर्थ यह है कि माधव निदानकार ने बोला है कि भाई जो अर्धित रोग है सिर्फ फेशियल पैरालिसिस है, जबकि चरक कहते हैं कि अर्धित रोग में कभी कभी केवल मुख वक्रता आती है, मतलब कि सिर्फ फेशियल पैरालिसिस हो सकता है या फिर हेमी पैरालिसिस भी हो सकता है. इसका मतलब है कि मुख के साथ सारे शरीर के आधे भाग में भी विकृति उत्पन्न होना. तो यह था अर्धित रोग का व्याधि परिचय. नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धित रोग के निदान. दोस्तों, पहला है कि सिर पर अत्यधिक मात्रा में भार वहन करना. जो लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं वर्कर्स, लेबर्स, तो उनके अर्धित रोग की ज़्यादा शंका रहती है. सेकंड है अत्यधिक हंसना. बहुत ज़्यादा हंसने से भी फेशियल पैरालिसिस हो जाता है. थर्ड है अत्यधिक वार्तालाप करना, मतलब कि ज़्यादा बोलना.
फोर्थ है चीखते समय मुख टेढ़ा करना। फिफ्थ है वृक्ष या खर पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना। सिक्स्थ है उच्च स्वर में भाषण करना। सेवन्थ है कठिन पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। एट्थ है अत्यधिक जरम्बा। नाइन्थ है शयन स्थान का विषम होना, मतलब कि नॉट कंफर्टेबल। 10th है गर्भिणी सूती का बालक और वृद्धों का अत्यधिक रक्तक्षय होना, मतलब अगर गर्भिणी सूती का बालक और वृद्ध में अत्यधिक रक्तक्षय हो जाए, मतलब कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो भी अर्धित रोग हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं ऑन द राइट हैंड साइड अर्धित रोग का संप्राप्ति चक्र। पर उससे पहले कि हम संप्राप्ति चक्र की बात करें, एक राज की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं वो फ्लैश कार्ड नोट्स हैं। अगर आपको अर्धित रोग पे एक्सटेंडेड नोट्स चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और हम इस पे एक्सटेंडेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अर्धित रोग के संप्राप्ति चक्र पे। तो जो निदान हमने अभी बताए हैं, अगर उनका अत्यधिक सेवन हो, निदान सेवन हो, तो उससे वातदोष का प्रकोप हो जाता है और उसकी वजह से जो प्रकोपित वातदोष है, शिर, नासा, ओष्ठ, हनु, ललाट वह नेत्र की संधियों को व्याप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि बात दोष हेड, नोज, लिप्स, मैंडिबल, फोर हेड और जो आई है उसमें बढ़ जाता है और वहाँ पे व्याप्त हो जाता है, मतलब कि अपना अधिष्ठान ले लेता है और उससे मुख आड़ में विकृति तथा वेदना होती है, मतलब कि आधे मुख में विकृति व पेन होता है एंड इसी को हम बोल देते हैं अर्धित रोग। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं अर्धित रोग का संप्राप्ति घटक व उसके सामान्य लक्षण। इसके साथ साथ हम बात करेंगे अर्धित रोग के पूर्व रूप, भेद अनुसार लक्षण व साध्य साध्यता पर। सबसे पहले बात करते हैं संप्राप्ति घटक के बारे में। दोष वात दुष्य होता है रस, रक्त, सिरा व मांस। अधिष्ठान रहता है मुख आर्द्र, मतलब कि हाफ फेस। स्रोतस है रस वह, रक्त वह, मांस वह और प्राण वह। स्रोतोदुष्टि प्रकार रहता है संग व सिरा ग्रंथि और अग्नि स्थिति होती है विषम अग्नि। व्याधि स्वभाव, अगर नवीन व्याधि है तो मृदु और अगर जीर्ण व्याधि है तो दारुण हो जाता है। साध्य साध्यता, नवीन अगर व्याधि है तो साध्य व्याधि होती है ये और अगर जीर्ण हो गई है तो यापे या असाध्य होती है। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व रूप के बारे में। पूर्व रूप वो होते हैं जो अर्धित व्याधि के पूर्व में प्रकट होते हैं, जैसे कि रोम हर्ष, मतलब कि होराय पाइलेशन। सेकंड है कंपन, मतलब ट्रेमर्स। थर्ड है आवल नेत्रता, मतलब कि लेक्रामेशन ऑफ आईज। फोर्थ है वायु की गति ऊर्ध्व होना, मतलब कि ऊपर की ओर वायु जाती है, इसका मॉडर्न में हम इरेक्टेशन से रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ है मन्याग्रह, मतलब कि नेक रिजिडिटी। सिक्स है त्वक सुप्ति नमनेस और सेवेंथ है अनुग्रह, मतलब कि लॉक जॉ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अर्धित रोग के सामान्य लक्षण के बारे में। पहला है कि नासा, भ्रू, ललाट, नेत्र व हनु का टेढ़ा होना। इसका मतलब है ड्रूपिंग ऑफ मसल्स ऑफ आईज, फोरहेड, लिप एंड टंग टूवर्ड्स अफेक्टेड साइड। दोस्तों जैसे कि हमें पता ही है कि पैरालिसिस, अगर फेस पैरालिसिस होता है तो वहाँ की जो मसल्स हैं फेस की, जो कि आईज की, फोरहेड की, लिप और टंग है, वो लटक जाती हैं, तो यही इसका सामान्य लक्षण भी है। सेकंड है भोजन के समय मुख टेढ़ा होना। थर्ड है नेत्र स्तब्धता, मतलब कि इमोबिलाइजेशन ऑफ आईज। फोर्थ है छींक रुकना, मतलब डिफिकल्टी इन स्नीजिंग। फिफ्थ है वाक संग, मतलब कि एफोनिया, मतलब कि जब हम बात नहीं कर पाते हैं तो। सिक्स है दंत चाल, मतलब कि फ्रिक्शन ऑफ टीथ, दांत कटकटाने लगते हैं। सेवेंथ है सुनाई कम देना या ना देना, अगर हमें लॉस ऑफ हियरिंग या डेफनेस हो जाता है तो ये भी अर्धित रोग का सामान्य लक्षण है। एट्थ है स्वर भेद, मतलब कि होर्सनेस ऑफ वॉइस। एंड लास्ट है स्मृति मोह, मतलब कि डिक्रीज मेमोरी, हमारी मेमोरी कम हो जाती है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले देखा था कि अर्धित रोग के तीन भेद होते हैं, बातज अर्धित, पित्तज अर्धित और कफज अर्धित। तो चलिए देखते हैं इनके भेद अनुसार लक्षण। बातज अर्धित, पहला है अधिक मात्रा में लाला स्राव, मतलब कि एक्सेसिव सलाइवेशन। सेकंड है कंपन, मतलब कि ट्रेमर्स। थर्ड है हनुग्रह, लॉक जॉ। फोर्थ वाग्रह, मतलब कि डिफिकल्टी इन स्पीच। फिफ्थ है ओष्ठ शोथ, मतलब कि इडिमा इन लिप्स।
सिक्स्थ है ओस्ट शूल मतलब कि पेन इन लिप्स, एंड सेवेंथ एंड लास्ट इज व्यथा या शूल मतलब कि पेन। सेकंड पित्त जर्दित, इसके लक्षण इस प्रकार हैं, पहला मुख पीत वर्ण का होना मतलब कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ फेस, सेकंड है ज्वर, थर्ड तृष्णा एंड फोर्थ है मोह मतलब कि कंफ्यूजन। दोस्तों कफ जर्दित में गाल शिर और मन्या में शोथ हो जाता है, वह स्तंभ हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इडिमा एंड स्टिफनेस इन चीक्स हेड एंड नेक। अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक पे पहुँचते हैं अर्दित रोग के बारे में, जो कि है साध्य असाध्यता। तो दोस्तों अर्दित व्याधि की असाध्यता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे कि पहला है जो मनुष्य अत्यंत क्षीण हो गया हो मतलब कि सीवियर जनरलाइज वीकनेस जिसे हो, उसे जो अगर अर्दित रोग हुआ है तो वो असाध्य होता है। सेकंड है नेत्र झपकाने में असमर्थता मतलब कि इमोबिलाइजेशन ऑफ आईज, यह भी असाध्यता को वर्णित करता है। थर्ड है 3 वर्ष पुराना अर्दित रोग मतलब कि 3 ईयर्स ओल्ड फेशियल पैरालिसिस, एंड फोर्थ इज मुख नेत्र नासा से निरंतर स्राव मतलब कि अगर माउथ आईज और नोज से कंटिन्यूस सिक्रीशंस हो रहे हैं तो भी ये असाध्यता को दिखाता है। फिफ्थ इज अस्पष्ट बोलना मतलब कि अनक्लियर स्पीच, एंड सिक्स्थ और लास्ट है शरीर और विशेष रूप से सिर का कांपना मतलब कि ट्रेमर्स इन होल बॉडी स्पेशली इन हेड। तो दोस्तों यह था अर्दित रोग के बारे में। दोस्तों इस रोग पे अगर आपको एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।